बिस्मिल्ल रिम्स मैं हूं जलील कुराची आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाह और जवेद कत्ल केस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने, सामने रख रही है जब एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद फिर जवेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ तो जवेद भट्ट साहब के कत्ल के बाद फौरन पुलिस हरकत में आई और बड़ा भाव किया गया कि शूटर पकड़े गए लाहौर से गिरफ्तार हुए कराची से गिरफ्तार हुए पेशावर से गिरफ्तार हुए फलां शूटर फला जगह से पकड़ा गया सीसीटीवी कैमरों की फोटेज निकाली गई ये हुआ वो हुआ ये सब कुछ आपको सुनने को मिला होगा इवन के मैं खुद यह ब्रेक करता रहा आपको बताता रहा लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे जवेद बट भट्ट केस के हवाले से उससे पहले एस शाह कतल केस के हवाले से उससे पहले बलाज कतल केस के हवाले से किसी एक में कुछ भी नहीं हो रहा मामला चुप हो गया है इन खामोशी छा गई वजह क्या है वजह आपके सामने रखनी है अभी कुछ देर पहले एक दोस्त है उनसे मेरी बात हुई है एक इदारे में काम करते हैं उन्होंने कहा कि वजह यह है कि पुलिस अब थक चुके है पुलिस के पास अब रहा कुछ नहीं है यानी पुलिस के पास कोई ठोस शवाहद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे अगर जवेद जवैद भटकतल केस के हवाले से बात की जाए तो एफ आई आर के अंदर जो नामजद मुलजिम हैं वो कुछ और हैं शूटर्स जो बयान दे रहे हैं वो किसी और का नाम ले रहे हैं शूटर का बयान एक सौ इकसठ का है जिसकी कोई अहमियत नहीं होती शूटर एक सौ बयान देंगे एक सौ चौसठ का वही जाकर चलान जमा नहीं करवाया गया तो इसी उस जिन्हें चलान जमा ना करवाना तफ्तीश का मुकम्मल ना होना यही वजह है कि पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस शवाहद मौजूद ही नहीं है पुलिस बेशुमार दावे कर चुके हैं कि हम वहां तक पहुंच गए हमने फुटेज निकाली हमने फ्रेंसिक निकाला हमने ये क्या हमने वो क्या ये सारे दावे आपने पहले सुने होंगे लेकिन अगर दावों में हकीकत होती तो पुलिस आज किसी न किसी नतीजे पर पहुंच चुकी होती उसकी वजह यह है कि पुलिस आज नतीजे तक नहीं पहुंची मेरे ख्याल में अगर मेरी जाति राय में देखा जाए तो पुलिस इस वक्त नाकाम हो चुकी है पुलिस अभी तक इन्हीं दिन दहाड़े एक बंदा कत्ल हुआ लाहौर की एक मेन शाहरा के ऊपर मैंने वहीं जाकर उस वक्त जब जवेद भाट साहब कतल हुए थे तो फौरन उसके कोई चंद मिनट्स बाद या एक दो घंटे बाद वहीं वहां पर पहुंचा था और लाइव रिपोर्टिंग आपको सामने वहीं रखी थी यानी एक बड़ी शाहरा है लोग गुजर रहे हैं लाखों की तादाद में वहां उस रोड से उस शाहरा से लोग गुजरते हैं दिन दहाड़े कतल हुआ और उसकी ना कोई सीसीटीवी फुटेज बाद में कोई अथेंटिक मिली अगर कोई मिली तो जो शूटर मिला उसके बयान में अभी मुभम है क्योंकि एक सौ इकसठ का बयान है एक सौ चौसठ का बयान ही नहीं कराया तो एक सौ इकसठ का जो बयान होता है वो आप बेहतर जानते हैं वो एक मुभम सा बयान होता है और उसके बाद फिर अगर एक सौ इकसठ का बयान ही कह लीजिए सही है और इसमें कोई प्रेशर या कोई चीज नहीं है तो फिर मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा इस मामले में खामोशी क्यों छा गई है ये एक मेन पॉइंट है और इस मेन पॉइंट की वजह सिर्फ यही है कि पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस शवायद मौजूद नहीं है एक तो मेन बंदा एक आरिफ है जिसके ऊपर सारा इल्जाम आ रहा है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा मेरे जरा के मुताबिक पुलिस ने भरपूर जोर लगाया है कि इस आरिफ को गिरफ्तार किया जा सके आरिफ को पता नहीं वो आसमान निकल गया जमीन खा गई कहां पे गया कहां पे नहीं गया आरिफ अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ एक चीज दूसरी राय यह है मेरी ऑब्जर्वेशन यह अगर आरिफ गिरफ्तार भी हो जाता है तो तब भी पुलिस किसी ठोस शवाहद की बुनियाद के ऊपर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी जिस तरह शाह का कत्ल हुआ जिस तरह बलाज का कत्ल हुआ जिस तरह उससे पहले ट्रकम वाले खानदान के बाकी कत्ल हुए या दूसरी साइड के ऊपर बाकी कत्ल होते रहे चलते रहे किसी का भी कोई मनतकी इंजाम नहीं हुआ इस जवेद भट्ट कतल केस के हवाले से मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि इस तक भी पोलिस किसी मनतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी जो हमें लक्षण अभी से हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि क्योंकि केस किसी एक रुख के ऊपर जाता हुआ नजर ही नहीं आ रहा बर जी तो यहाँ तक है और दूसरी चीज यह है कि जहां तक मैंने एक और भी दोस्त है उनसे मैंने रहा किया है इस वक्त बलाज खानदान का सबसे बड़ा मुतालबाज यह है इवन की गुजशत वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये चीज रख भी चुका हूं जो एक सुबह वजीर आए थे उसके बाद फिर एक वफाकी वजीर आए थे एक सेनेटर आए थे कुछ अरकिन भी असम्बली वो भी इस मामले के अंदर उन्होंने इंटरफेयर किया था और सारे के सारे इस सिफारिश की बुनियाद के ऊपर आए थे कि पहले बलाज का जो कत्ल हुआ था उसका आ, उसको इंसाफ दिया जाए आप देखते होंगे मुख्तलिफ जब भी कोई वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे सारे कमेंट्स आ जाते हैं जस्टिस फॉर अमीर बलाज जस्टिस फॉर अमीर बलाज तो बलाज खानदान का सबसे बड़ा मुतालबाज है इवन के पिछले दिनों जब बिछू पलवान उनके दादा जितने भी इंटरव्यूज दे चुके हैं उन सभी इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने सिर्फ एक बात की है पहले बलाज के कत्ल का फैसला किया जाए इंसाफ दिया जाए और उसके बाद फिर चाह और उसके बाद फिर जवेद यानी बलाज खानदान जवेद भट्ट के ऊपर तो वो डिस्कस ही नहीं कर रहा वो इसको अभी तक की अगर यानी माजरत के साथ ये कहा जाए तो वो इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा वो ये कह रहा है कि जो हमारा बंदा मारा गया था जो हमारा बच्चा मारा गया था कम अज कम उसको इंसाफ दे पुलिस और उसके बाद फिर इसकी जानब आएंगे कि इसको किसने मरवाया किसने मारा ये तो बाद की बात है पहले उसको इंसाफ दिया जाए तो ये सारे जो लिस्ट में में हैं, वजीर, है, वजीर हैं और बाकी ये सारे इसी सिफारिश में थे कि पहले बलाज के खानदान को इंसाफ दिया जाए तो सुलह न होने की वजह भी यही है कि बलाज खानदान इस चीज के ऊपर अटा हुआ है कि पहले बलाज का जो कतल हुआ था उसका इंसाफ हो और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़े जबकि तो दूसरी जानब जो है वो तीफी भट्ट साहब जो है वो भी अभी इस चीज के ऊपर डटे हुए हैं क्योंकि इससे पहले होता यह था कि सिर्फ तीफी बाट साहब और घोघी बाट साहब वो नामजद होते थे और वही मफरूर होते थे बाकी खानदान आजाद घूमता था अब की हाल जी है कि उनका सारा का सारा खानदान जो है वो इस वक्त मोहतात है बल्कि तीफी की जानब से कुछ अरसा पहले मैंने आपको ये बताया भी था कि उनकी जानब से बकायदा बकाय ये इंस्पेक्शन जारी की गई थी कि अब किसी भी घर के फर्द ने अकेले नहीं निकलना अगर निकलना है तो साथ तो पाँच सात जितने बंदे जितने गार्ड हो सकते हैं जो उनका एक प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपने बाहर निकलना है तो बहरलता जी हुआ नजर नहीं आ रहा जो खामोशी है इसके पीछे कुछ तो मुझे लगता है कोई ताल्लुक नहीं है बरल ये खामोशी के पीछे कुछ ना कुछ चीजें हैं जो अभी छुपे हुए हैं और आने वाले चंद दिनों में ये चीजें आपके सामने भी आ सकती है और खुदा न खासा कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है अल्लाह ना करे बरल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अगली खबर यह है कि आपको याद होगा कुछ अरसा पहले खलील रहमान कमर साहब का एक खातून आमना अरूज के साथ एक मामला हुआ था और हनी ट्रेप यह सारी चीजें तफसील के साथ मैंने आपके सामने रखी थी अब मामला यह है आमना अरूज के वकील है सेफुला साथ। सेफुला साथ के हैं सैफुल्ला साहब सैफुल्ला साहब ने इंतहाई संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं बाकायदा नाम उठाकर उन्होंने पुलिस के डी एस पी फैसल शरीफ साहब हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है और डी आई जी साहब की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया कि डी आई जी साहब भी मौजूद थे डीआईजी साहब के ऑफिस में ये सारा मामला हुआ डीएसपी फैसल शरीफ ने ये किया एडवोकेट फैसल के मुताबिक जो इंजरी हैं। उसके किया गया और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि चार मरतबा उनकी जबान के ऊपर करंट लगाया गया एक और इसके अलावा इससे आगे वो ये कहते हैं कि वो जिसम के जो नाजुक आजा है इवन की वो से आगे वो चले गया। लेकिन मैं आपको एक दबे में बता रहा हो रही थी और इतनी ब्लीडिंग हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है यह दावा कर रहा है आमना अरूज का वकील सैफुल्ला उसके मुताबिक यानी वो दावा भी कर रहा है इल्जाम भी लगा रहा है और संगीन किस्म के इल्जाम जो हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान है उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है यह भी इनतहा संगीन मामला है क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो आमना अरूज और खलील रमान कमर साहब वाला जो मामला है काफी अर्सा पहले आपको याद है जब ये हिट हुआ था जब ये मीडिया के ऊपर आया था तो लोगों ने इसके ऊपर बात की तो उसके बाद फिर ये मामला बिल्कुल इसमें भी खामोशी आ गई थी कोई पता नहीं चला कि आमना अरूज को अदालत के अंदर कब पेश किया गया उस मामला वो कहां तक पहुंचा है उसका ट्रायल कहां तक पहुंचा है और कुछ चीज सामने निकली है या फिर नहीं निकले लेकिन अब अचानक उनके वकील सामने आए हैं और उन्होंने है है आमना अरूज को लूटा भी है उनके पास जो गोल्ड था जो नेकलेस जो बाकी चीजें जो पहनी हुई थी वो भी पुलिस ने उनसे ले ली है उनसे छीन ली है एटीएम कार्ड और कुछ इस किस्म के और इल्जाम भी लगाए हैं जो तो कि इनहाई संगीन किस्म के इल्जाम हैं बरहल इस मामले में मजीद जो डेवलपमेंट सामने आती है मैं जरूर आपके सामने रखूंगा एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके अल्लाह